क्वेश्चन है, और इस लॉजिक गेट को क्वेश्चन करने के लिए मैं हमेशा यही बताता हूँ प्यारे बच्चों कि दो मेथड होता है, एक होता है बुलियन एलजेब्रा और एक होता है ट्रू टेबल। तो आप किससे करना पसंद करोगे? तो भाई मैं तो बुलियन एलजेब्रा से करना पसंद करूंगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन एक लाइन में आसानी से हो जाते हैं। अब ये क्या था, नैन गेट है, इट डिवाइडेड इंटू द टू पैरेलल गेट फिट टू अनदर नैन गेट। एक नैन गेट है, दूसरा नैन गेट है, दूसरे नैन गेट का दोनों इनपुट को जोड़ के इसका आउटपुट बना दिया गया है। तो जो गेट मिलेगा वो कौन सा गेट मिलेगा? अगर इस गेट को खोलोगे, थोड़ा सा गेट को खोलो, मतलब गेट को खोलो मतलब लॉजिक गेट को, अगर ये नैन गेट है तो जो नैन गेट है वो एंड गेट प्लस नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। ठीक है, तो यहाँ से एंड गेट कैसा होता है यार, एंड गेट कुछ ऐसा होता है और फिर यहाँ से एक नॉट गेट लग गया ये, फिर यहाँ से इसका जो इनपुट है, हाँ यहाँ से इसको फिर खोलोगे तो एक और एंड गेट मिलेगा और एक और इधर नॉट गेट मिलेगा, ये हमें खोलने के बाद मिलेगा, और इसके दोनों इनपुट को आपस में कंबाइंड करके इसका आउटपुट बना। ये इसको मैं ओपन कर दिया, इसको मैं ओपन कर दिया, वैसे तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, तुम डायरेक्ट वहाँ भी कर सकते हो। इसको हमने ए दिया, इसको हमने बी दिया, एक एक ए क्या किया, ए डॉट बी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या किया, ए डॉट बी का इन्वर्ट कर दिया, ये इन्वर्टर नॉट गेट है। अब ये ए डॉट बी इन्वर्ट यहाँ आएगा, अगर फिर ये यहाँ तक ए डॉट बी इन्वर्ट, फिर अगेन यहाँ पर क्या होगा, ए डॉट बी बार का बार लग जाएगा, दैट इज फाइनल आउटपुट वाई। तो ये फाइनल आउटपुट वाई है, और हम सबको पता है कि अगर एक्स का बार है, डबल बार है, तो एक्स होता है बूलियन अलजेब्रा में, मतलब जो वाई की वैल्यू है ए डॉट बी का डबल बार, मतलब ए डॉट बी के बराबर होगा, इक्वल होगा, मतलब हमारा एंड गेट सही है। ठीक है, बराबर है, चलो।